हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक में हम जानेंगे कि वीआरएफ एंड वीआरवी यूनिट जो एचपी में दिया रहता है यूनिट, उसको टन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना टन का यूनिट हो। अगर मान लीजिए कि जितना एचपी दिया हुआ है तो कितना टन का हो एसी कहलाएगा, बट अदरवाइज बाकी यूनिट भी रहता है बीटीयू में और अपना किलो कैलोरी में है, वाट्स में है, किलो वाट्स में है, एचपी में है, तो उसके लिए भी आपको हम बताएंगे कि आप अच्छा से जान सकते हैं कि अगर हमारा इतना वाट्स दिया हुआ था, इतना टन का मशीन हुआ, इतना बीटीयू है तो इतना टन का मशीन हुआ। तो इस तरह से हम एक एक करके जानेंगे सभी के बारे में और आपको हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। बहुत सारे दोस्त लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि अपना टन में बताइए, कैसे टन में कन्वर्ट करें, तो आज आप लोग के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ एमआरसी टेक्नीशियन में, कन्वर्ट एचपी टू टन फॉर वीआरएफ एंड वीआरवी यूनिट। वीआरएफ एंड वीआरवी यूनिट के लिए जो फॉर्मूला है वो अलग अप्लाई करते हैं यहाँ पे एचपी टू टन कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अदरवाइज बाकी यूनिट में जो एचपी में मेंशन किया रहता है उसका फॉर्मूला अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप ये अपना वीआरवी का जो सिस्टम हम बताएंगे उसका आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। तो हम दोनों चीज बताएंगे कि अदर जगह पे आप कैसे, कितना आपको यूज करना है क्या फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या यूज करना है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4HP को हम 1.25 से डिवाइडेड किए हैं। अगर आपका जो भी वीआरएफ या वीआरवी यूनिट अगर एचपी में दिया हुआ है, जैसे 4HP है, 5HP है, 6HP है, 10HP है, अदर जितना भी HP रहे, तो मैंने तीन उदाहरण ले लिया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 4 हॉर्स पावर जो है 1.25 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास। तो 1.25 डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 3.2 TR। आपका TR मतलब होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 5HP का जब आप 1.25 से डिवाइड करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 4 TR। ठीक है, 6HP का आप डिवाइड करेंगे तो इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका आना चाहिए 4.8 समथिंग, देख लेते हैं कितना आता है। तो 6 डिवाइडेड बाय 1.25, 4.8 TR इसका आया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका इजी प्रोसेस है एचपी टू टन में कन्वर्ट करने के लिए, वीआरएफ वीआरवी यूनिट का डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके इस तरह से। अब हम जानेंगे कि अगर हमारा यूनिट को बीटीयू में अगर दिया हुआ है, किलो कैलोरी में दिया हुआ है, वाट्स में दिया हुआ है, किलो वाट्स में दिया हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे कितना टन का वो मशीन है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। या इंटरव्यू में खास करके पूछा जाता है, या आपको पूछा जाएगा कि एक टन का मशीन कितना बीटीयू हीट रिमूव करेगी, और या फिर अगर इतना बीटीयू है, अगर मान लीजिए 18,000 बीटीयू है तो कितना टन का मशीन कहलाएगी, तो क्वेश्चन दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है 3000 किलो कैलोरी पर आवर जो हीट रिमूव करती है, वे एक टन की मशीन कहलाती है। ठीक है ना, जो एक टन की मशीन जो है 3000 किलो कैलोरी हीट को रिमूव करती है तो एक टन की मशीन कहलाती है। दूसरा, अगर 12000 बीटीयू पर आवर, मतलब एक घंटा में जो 12000 बीटीयू हीट रिमूव करेगी वो एक टन की मशीन कहलाएगी। ठीक है, अभी इसी तरह से अगर मान लीजिए पूरा दिन का अगर कोई पूछ देता है कि 24 घंटा में, पूरे दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में तो 12 × 24 करेंगे तो 2,88,000 निकल। बीटीयू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, एक्चुअल में ये ज्यादातर इंडिया में इस मेथड पे मिलेगा आपको, और ये यूरोपियन मेथड है बीटीयू, लेकिन सब सेम ही है, बस इस तरह से इसको मेंशन किया गया है अपना बीटीयू और किलो कैलोरी में, वाट्स में, किलो वाट्स में, एचपी में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं 3516 वाट्स जो पर आवर्स निकालेगा हीट को, वो एक टन का मशीन कहलाएगा। फिर दूसरा हम देख लेते हैं, ये 3.516 किलो वाट अगर एक घंटे ये निकालेगा, एक टन का मशीन का बराबर रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एचपी का डिवाइड करने के लिए 1.25 से किए थे, लेकिन यहाँ 4.7 एचपी का अगर मशीन है तो एक टन की मशीन कहलाएगी।
तो यहां पर एक टन का मशीन इक्वल टू हो गया 4.7। ये सब एक टन का मशीन का परफॉर्मेंस के हिसाब से है। अब हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। अगर मान लीजिए हमारा यूनिट पे अगर वाट्स में 56,256 अगर वाट्स दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे, तो इसको क्या करेंगे, ये कितना टन का मशीन कहलाएगा, वो हमको कैलकुलेट करना, वो देखना है। तो आपको हम पहले बताए हैं कि वाट्स में अगर रहेगा तो 3,516 जो है एक टन का मशीन के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना से डिवाइड कर देंगे, इतना है ना, 56,256 जो है इसको 3,516 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 5 6, ये हमारा 16 आ गया। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये 16 टन का मशीन कहलाएगा। इतना अगर BTU इतना वाट्स आता है तो 16 टन का मशीन कहलाएगा। बस जितना जितना है उतना उसको डिवाइड कर। अगर मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं 48,000 BTU है, ठीक है, उस पर अगर आपका यूनिट पे लिखा हुआ है और उस पे पर आवर्स किया हुआ है, तो उसको 12,000 से हम डिवाइड कर देंगे। 12,000 से डिवाइड कीजिए तो सीधा इसको 12 4 4 टन का ये मशीन हो जाएगा। ये 4 बार में इसको डिवाइड किया आ जाएगा 48,000, ठीक है। उसी तरह से HP में है तो HP का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 94 डिवाइडेड बाय 4.7 इक्वल टू 20, तो ये हमारा 20 टन का हो गया। सॉरी, ये 20 टन का हो गया। उसी तरह से अब यहां पर है 15,000 किलो कैलोरी, ये 3,000 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3,000 1 टन का बराबर है। तो 1 टन मतलब 3,000 है, तो BTU में हमारा 15,000 दिया हुआ था, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आएगा जितना भी आएगा अप्रोक्स इस हिसाब से आएगा। ये आपका हो जाएगा 5 टन, टन ऑफ फ्रैक्शन का ये कूलिंग कैपेसिटी इसका है, ठीक है ना, 5 टन का। अब उसके बाद कौन सा बच रहा है, ये 70 ये बच रहा है किलोवाट्स, तो इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। एक टन में इतना से डिवाइड इसको करते हैं तो 70.32 डिवाइडेड बाई 3.516, ये हमारा 20 टन का ये भी आ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा 20 टन का आ गया। तो ये आप इस तरह से आप इजी आपने समझ गए होगा, जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप इजी निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 2 टन का मशीन है तो ये कितना BTU इसका हीट रिमूव करेगा, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 टन में 12,000 BTU होता है। तो 12,000 इंटू 2 तो इसको हो जाएगा 12 दुनी 24, 24,000 BTU पर आवर्स निकालेगा। किलो कैलोरी में पूछता है तो आप किलो कैलोरी में बैठा दें, 3,000 है तो 3 दुनी 6,000 हो जाएगा। HP में पूछता है तो HP में बैठा दें, मतलब जो भी है इस हिसाब से आपको टन में रहे मेंशन किया रहे। आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर करे टन में करे या आपको BTU में करे किलो कैलोरी में करे किसी तरह से, तो आपको ये आपको याद रखना है। नॉर्मली आप ये इसको याद रखिए कि 1 टन में कितना कितना कैलोरी होता है, कितना BTU होता है, कितना किलो वाट्स होता है, कितना HP होता है, तो ये आप याद रखेंगे तो आप इजी फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह के फिर भी डाउट इसमें नजर आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उसको बताने का कोशिश करेंगे कमेंट्स में, और नहीं तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। चलें फिर, आप अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ।